सक्ती जिले में जांप और अंधविश्वास की खबर सामने आ रही है। तो तंत्र साधना से दो युवकों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। अंधविश्वास के चलते परिवार के लोगों ने ही मौत के घाट उतार दिया है। तो फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद से बड़ा खुलासा हुआ, तो मृतकों की मां, दो बहन और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो दोनों युवकों को पहले स्लो पॉइजन देकर बेहोश किया गया और फिर परिवार वालों ने गला दबाकर दोनों को मार डाला। तो तीन दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि तंत्र साधना के दौरान जो है तीन युवकों की वहां पर मौत हो गई, दो लोग की मौत हो गई थी, और इसके बारे में जब लोगों को कहीं ना कहीं सुबुगाहट हुई तो लोगों ने जो है घर के ऊपर से छज्जे से घर में एंट्री की और उसके बाद लोगों के शव को बाहर निकाला था। तो अब इस मामले पर अपडेट सामने आया है कि मृतकों की मां, दो भाई और दो बहन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वही इस पूरे मामले के दोषी हैं। इसको दो शव बरामद हुए थे एक घर से। प्रथम दृष्टया ऐसा आभास हुआ कि वहां पे किसी प्रकार के अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है, और इसके ऊपर से पुलिस ने मर्ग कायम किया, और मर्ग कायम करने के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम स्मॉदरी यानी दम घुटना और पॉइजन के सब्सटेंस दोनों भाइयों की बॉडी में मौजूद थे। इनके जो परिजन थे उनके द्वारा पूछताछ करने पर ये पता चला, उनसे पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ही अंधविश्वास के चलते दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया है, और इसमें पुलिस ने मर्डर का अपराध कायम किया है और चारों परिजनों को अरेस्ट किया है। तो तंत्र साधना में इतने लोग लीन हैं कि अपने ही घर वालों को मौत के घाट पर उतार दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परदेशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। परदेशी, पूरा मामला क्या, आखिर अंधविश्वास में लोग इतना लिप्त हो जा रहे हैं, इतना घुल मिल जा रहे हैं कि अपने ही घर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसके ऊपर क्या आरोपियों से जब पुलिस ने बातचीत की है उनके क्या बयान सामने आए हैं, विस्तार से बताइएगा। जी आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है अंधविश्वास से ही जुड़ा हुआ है, जहां पे एक परिवार के छह लोग जो है मंत्र साधना कर रहे थे एक ही रूम में। उसके बाद जो है उनके ही भाई, दो जो उनके भाई थे, उनको पहले स्लो पॉइजन दिया गया, उसके बाद उनको जो हवन का सामग्री रहता है उसमें उनके चेहरे को धुएं पिलाया गया, उसके बाद भी उनकी जो है प्राण जो है नहीं निकला, तो उनके जो है तकिए से उनके गला को दबाया गया, सिर को दबाया गया, मुंह को दबाया गया है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। इसमें उन लोगों को इस पूरे उस मामले में वो था कि उनको प्रसिद्धि प्राप्त करना था, उनको मारने के बाद उनको पुनः जो है मंत्र साधना से जिंदा करने का उन लोगों का प्लान था, और इस तरह से जो अंधविश्वास में जो है ये दो युवकों की उनके ही परिवार के लोगों ने जान ले ली। जी बिल्कुल, तो इस तरीके की खबरों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में अपने ही घर के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो आप भी सतर्क हो जाइए, इस तरीके का काम बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि प्रसिद्धि मिले ना मिले लेकिन आप अपने सगों को खो देंगे। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए परदेशी, आपका शुक्रिया।